नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आप देख रहे हैं मिंदास भोजपुरी। मित्रों, ये लखनऊ है, नवाबों का अपना शहर लखनऊ, जहां पर एक नई फिल्म शुरू हुई है। फिल्म का नाम है दुल्हन नंबर वन। अक्स पाठशाला एंटरटेनमेंट के तले इस फिल्म का निर्माण हो रहा है। हमारे साथ आकांक्षा अवस्थी हैं, जो कि फिल्म में लीड किरदार निभा रही हैं। मैडम, लंबे समय बाद आपका इंटरव्यू हो रहा है, स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदास भोजपुरिया के सभी दर्शकों को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा सा प्यार, और आप सब मुझे ढेर सारा सा आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद आनंद जी, बताइए आज कैसे याद किया, इतने दिनों बाद आप मिलने चले ही आए लखनऊ। लखनऊ से भी 40-45 किलोमीटर दूर ये आम्रपाली रिसोर्ट है, और वहां पर आकांक्षा अवस्थी शूट कर रही हैं। मैडम, आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। खूबसूरत तो मैं हूँ आनंद जी, थोड़ी और तारीफें करिए। तो ये सारे लोग कही रहे थे, खैर सेट पर मैं बात कर रहा हूँ दुल्हन नंबर वन, जो नई फिल्म आपने आज शुरू की है। फिल्म के बारे में बता दीजिए। फिल्म ये पारिवारिक फैमिली ड्रामा है, फैमिली इमोशनल ड्रामा है ये, और स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे से किरदार हैं इसमें, बहुत सारे से ट्विस्ट एंड टर्न है, और ये फिल्म देखने को आपको बहुत मजा आएगा। आप देखेंगे तो इसे छोड़कर हट नहीं पाएंगे, और ये फिल्म आप सिनेमा घरों में देखने ज़रूर जाइए, क्योंकि पारिवारिक पिक्चरें हैं जो हम लेकर के आ रहे हैं, आपको दिखाने की नई चिंगारी लगाने की भी कोशिश है हमारी। तो ये मेरे होम प्रोडक्शन की 5वीं फिल्म है, ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊँगी, बस ये बताऊँगी फैमिली इमोशनल ड्रामा है ये, आइए और देखिए ज़रूर सिनेमा घरों में। फिल्म से जुड़े तमाम कलाकार और मेकर्स की टीम के बारे में एक बार बताइए जरा। मेकर्स हमारे निर्माता हैं विवेक कुमार जी, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं हमारे सारे लोगों को, टाइम पे पेमेंट करते हैं, और स्टोरी के साथ प्रोडक्शन वैल्यू में कोई कमी नहीं रखते हैं। तो एक अच्छी फिल्म बनने के लिए एक अच्छा प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, जो ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, विवेक कुमार जी की दया से हमारे लिए बड़ा अच्छा काम हम कर पाते हैं इसमें। दूसरे, कन्हैया विश्वकर्मा जी हमारे डायरेक्टर हैं, जो इंडस्ट्री में बहुत सारी सी फिल्में एसोसिएट कर चुके हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने 100 से ऊपर फिल्में एसोसिएट करी हुई, जो आज एज एन डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो सारे आर्टिस्टों के साथ भी उनका मिला मेल जोल बहुत अच्छा है, वो एक अच्छे डायरेक्टर बन करके इस फिल्म को पूरा करते हैं, अपना किरदार निभाते हैं एज एन डायरेक्टर। राकेश त्रिपाठी जी इसके राइटर हैं, जो सब जानते हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, उनके डायलॉग भी काफ़ी भारी भरकम होते हैं। मधुकर आनंद जी और रजनीश मिश्रा जी ने इसमें म्यूजिक दिया हुआ है, रोमांटिक म्यूज़िक रजनीश मिश्रा जी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, और मधुकर जी तो फिर क्या कहने उनके, तो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है। डीओपी हमारे प्रकाश अन्ना जी हैं, प्रकाश अन्ना जी के साथ काम करना मतलब मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छे डीओपी हैं और मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है, मैं हर तरीके से कम्फर्टेबल रहती हूँ उनके साथ काम करने में। तो एक अच्छी टीम है, राम बाबू जी हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी टीम है, बहुत सारे लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। संजय पांडे जी एज एन एक्टर, निसार खान, मनोज आर पांडे जी हैं इसमें, माया यादव जी हैं, तो मनोज टाइगर जी जो एज एन विलन इस फिल्म में काम कर रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ बड़े बड़े लोगों के साथ काम करके मज़ा भी आ रहा है। सारे लीजेंड्स हैं, जितने भी आपने नाम गिनाए ये सब इंडस्ट्री के लीजेंड्स हैं, बड़े नाम हैं, इन सब ने अपने काम को, अपने आप को साबित किया है इतने सालों में। खैर, आकांक्षा, बतौर प्रोड्यूसर, आपकी होम प्रोडक्शन फिल्म है ये, 5 फिल्में आप बैक टू बैक शूट कर रहे हैं, यूपी में लगातार शूट कर रहे हैं, ये अनुभव कैसा था, इसके बारे में जरा बताइए। ये अनुभव यूपी में शूट करना अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक तो यूपी, क्योंकि मैं यहाँ पर पली बड़ी हूँ, लखनऊ की, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो बहुत सारी सी हेल्प मिलती है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, और आजकल जिस तरीके से क्रेज़ बढ़ रहा है लखनऊ में शूटिंग का, तो थोड़े से प्रोफेशनलिज्म भी आ रही है चीज़ों में बदलाव आ रहा है, यहाँ के लोगों को काम मिल रहा है, 70 लोगों का यूनिट होता है, तो हमें ज़्यादा बाहर जाना नहीं पड़ता, हमें लोग भी यहाँ यूपी में मिल रहे हैं, तो काम करना ईजी हो जा रहा है, मतलब टीम हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी होकर के मिल जाती है, तो अच्छा होता है, काम करना इजी हो रहा है, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है कई जगह पे, लाइक हमें किसी का ट्रैवलिंग टिकट नहीं देना पड़ा। तो मुझे लगता है यूपी में जब से फिल्म बंधु आया है और यहाँ पर जिस तरीके से सब्सिडी की फैसिलिटीज़ और काम की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उससे यहाँ के लोगों में कारोबार भी इन लोगों को मिल रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों की प्रोग्रेस भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि ईजी टू गो है यहाँ पर काम करना आज की डेट में। एक अभिनेत्री से, क्योंकि आपने करियर जब शुरू किया तो अभिनेत्री के तौर पे शुरू किया, एक अभिनेत्री से प्रोड्यूसर बनना, ये जो जर्नी है, दोनों किरदारों में कोई डिफरेंस आपको नजर आता है कि कोई ज्यादा सीरियस है, कोई ज्यादा चैलेंजिंग है, दूसरा वाला थोड़ा सा आसान है? मैं बोल सकती हूँ कि एज एन एक्टर प्लस प्रोड्यूसर होना
ज़्यादा टफ टास्क है। जब आप एक एक्टर होते हैं तो आपको बाकी किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता, आप जाते हैं शूटिंग करते हैं, आपको एक कैरेक्टर मिल जाता है, वो काम आपको बस करना होता है, वो एक ही चीज़ पर आपको सीधे एक घोड़े की तरह बस चलना होता है। अभी क्या होता है, अलग से टेंशन भी आती है, आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान रखना है, अपने किरदार को पूरी तरीके से निभाना है, प्लस ये नहीं है वो नहीं है, कई सारी सी चीज़ें होती हैं। हालाँकि ये तो विवेक जी देखते हैं सारी चीज़ें, मैं ज़्यादा करके अपने काम पर फोकस करती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चल जाता है समटाइम्स तो थोड़ी टेंशन होती है, फिर कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, ये सब होता है। लेकिन हाँ ठीक है, एक एडवेंचर है लाइफ में, अच्छी बात है। मैं ये बोल सकती हूँ मेरे पास मेरा एक सपोर्ट सिस्टम है, मेरे हस्बैंड विवेक कुमार जी, तो मुझे इतनी तकलीफें नहीं आती। हाँ लेकिन अपनी चीज़ों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि भाई होम प्रोडक्शन है, थोड़ा संभल जाओ, लेकिन मैं थोड़ी वैसी हूँ नहीं, ट्राई करती हूँ कि बेस्ट हो जाए। वैसे एक सवाल मेरा यह है कि आप लगातार अपने होम टाउन में शूट करनी है, लखनऊ की आप हैं, लखनऊ में ही आसपास आप शूट करती हैं, होम टाउन में शूट करना आसान इसलिए भी होता होगा क्योंकि सारे लोग आपको जानते हैं, आप यहीं पली बढ़ी हैं, यहीं के लोगों के साथ आप रही हैं, आपके घरेलू रिश्ते भी इन लोगों के साथ अच्छे होंगे। मसलन मान लीजिए साइकिल जरूरत पड़े तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, गुप्ता जी की साइकिल आपने मांग ली। हाँ ये बात तो करेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और ऐसा नहीं है लखनऊ में ही शूट करी हो, अभी जैसे लास्ट फिल्म हमारी गोरखपुर में शूट हुई थी। रही बात लखनऊ की, देखिए हम काम करते हैं अपनों के लिए, हम खाना बनाते हैं अपनों के लिए, हमारे आसपास के ही लोग अगर खुश ना हुए तो फिर हम बाहर वाले लोग पे तो हम बाद में जाते हैं, तो पहले हम अपने लोगों को खुश करेंगे, वो खुश होंगे तो हमें पता चलेगा हमें औरों को भी क्या देना है, क्या खुशी मिलती है, कैसे काम करना है, और जब घर वाले खुश होते हैं तो भगवान भी खुश होता है, जनता भी खुश होती है। तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में शूटिंग कर रही हूँ और यहाँ से जो लोगों की प्रेज़ मिलती है, लोग इतना प्रेज़ करते हैं और अच्छा कि एक होता है, एक हौसला मिलता है, हम लोग काम कर रहे हैं, सब खुश है, और यहाँ पे लोग बताते भी, क्योंकि ये कल्चर है हमारा, यहाँ से हम इस कल्चर को हम अडॉप्ट करके जो हम अपनी फिल्मों में दिखा रहे हैं, ये हमें बहुत इंस्पायर भी करता है, यहाँ की बहुत सारी चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है, और वो हम जो सिनेमा में दिखाएंगे रियलिस्टिक चीज़ें, जो भी हमने गोरखपुर का चाहे जंगल शूट कराए, वन विभाग शूट कराए, सब हमने रियल शूट कराए, तो हम फिल्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो शूट कर रहे हैं, लाइक अभी हम मलियाबाद में हैं, तो वो जो रियलिस्टिक चीज़ें जो दिखें, जो ये कल्चर दिखेगा, जो ये रॉ चीजें जो दिखेंगी, इसका तो सपोर्ट सिनेमा पे दिखेगा ही ना। मेरा सवाल ये है कि जब आप शूट करते रहते हो, लगातार बैक टू बैक शूट करते रहते हो, चार पांच फिल्में एक साथ शूट करते हो, थकावट नहीं होती? क्योंकि मुझे पता है कि चिंगारी एक दिन पहले खत्म हुई है। जी हाँ, एक दिन पहले सिर्फ इनकी जो पिछली फिल्म है चिंगारी, जो मल्टी स्टारर फिल्म है जिसे रिकॉर्ड टाइम में शूट किया गया है, वो खत्म हुई है, सिर्फ एक दिन का ब्रेक मिला है। ये बात तो सही है कि थकान है, उसमें फुल ऑन एक्शन था, 6 दिन सिर्फ एक्शन ही चलता रहा, गाने चलते रहे डे नाइट, हम लोगों ने बहुत लंबा टाइम लिया, सुबह 7 बजे से शूट कर रहे हैं रात में 12 बजे तक, लेकिन टचवुड इस बार हमारी टीम इतनी अच्छी थी, टीम का 100% सपोर्ट, एक बंदा भी ये नहीं बोलता था नहीं अब हम थक गए हम शूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने शूट इतना बढ़िया करा है, सबको शूटिंग में मज़ा आ रहा था, सब ये बोल रहे थे कि कुछ नया बड़ा हम शूट कर रहे हैं बहुत समय बाद, तो सबने किया और सबने सपोर्ट करा, और दुल्हन नंबर वन कहते हैं ना आप, एक काम कंप्लीट हुआ हमें एक तो उसकी खुशी है, दूसरा हमें नए काम को शुरू करने का क्रेज़ था, तो थकान जैसी तो बात ही नहीं लग रही है, मतलब आज आपको दिख सकता मैं कितनी फ्रेश हूँ, आराम से अपने नए शूट पर जा रही हूँ। आकांक्षा क्या प्लान्स हैं आगे फिल्मों का जो कारवां है, कोई गिनती सोची? क्योंकि 5 फिल्में हो गई हैं रिकॉर्ड समय में, आपने बैक टू बैक फिल्में शूट करके 5 फिल्में कंप्लीट कर दी हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे हार्डली ये कंप्लीट करने के मैक्सिमम मुझे 10 दिन का शायद ब्रेक मिल जाएगा, हालांकि मुझे ब्रेक देने के मूड में नहीं है हमारे प्रोड्यूसर, फिर नेक्स्ट फिल्म हम प्रवीण गुरजी जी के साथ में कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ब्रेक लेने का तो मूड है नहीं, एक रिकॉर्ड बनाना है, भोजपुरी को एक नए मुकाम पर पहुंचाना है, इस इंडस्ट्री को इसके सम्मान के साथ इसको आगे बढ़ाना है, ये एक मेरा नया ट्राई है, एक बार रानी जी ने भी किया है इंडस्ट्री में, उन्होंने अपना एक ज़माना बनाया है, मैं ट्राई कर रही हूँ शायद अपना एक ज़माना बना पाऊँ, ना मुझे, मैं किसी और को फॉलो नहीं कर रही हूँ, मुझे ये है कि मैं कुछ अपना करके इस इंडस्ट्री में अब आ चुकी हूँ, तो कुछ अपना बड़ा नया अच्छा कुछ करके बताऊँ कि हाँ ये भी हो सकता है इंडस्ट्री में। ऐसे लोगों का दौर होता है, ये कह रही है कि इनका पूरा जमाना है, ऐसा जमाना इन्होंने रानी चटर्जी का बताया, बीच के किसी हीरोइन का आपको जमाना नजर नहीं आया? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आम्रपाली जी भी हैं, काजल जी भी हैं, अक्षरा जी भी हैं, अक्षरा जी ने तो अपना एक नया जमाना बना रखा है,
कोई कुछ उसमें कहने की बात नहीं है, उनका भी एक दौर है जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो है चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ, मैं अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को नया देखने को मिल जाए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक अलग सोच होती है। मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ, तो कोशिश यही है कि लोगों को अच्छा लगे।